तादाद के अंदर छात्र अपनी मांगों को लेकर एसएससी ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। जो लोधी कॉम्प्लेक्स, जिसको सीजीओ कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, आला अधिकारी हैं। आला अधिकारियों को ये नहीं देखने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। अभी बताया गया कि यहाँ के जो शौचालय वगैरह वो भी बंद कर दिए गए हैं। आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि क्या मांगे आप, क्या नाम है? सर प्रदीप कुमार है, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ सर। जी सर, हम पिछले 7 दिन से बैठे हैं, 28 तारीख को आ गए थे। हम केवल एक मांग रहे, सीबीआई जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए, समय सीमा के अंदर। ये नहीं कि सीबीआई जांच होने के बाद तारीख पे 10 साल एक्सटेंड, ये नहीं। और जिस भी कंपनी को भी वेंडर दिया है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार का गुनाहगार वो सामने खिड़की में बैठा है। उसके ऊपर जब पत्रकारों ने पूछा, सब आप इनकम टैक्स से 40 लाख लेते हो, सीबीआई और सीजीएल बेसिकली है क्या कंबाइंड रिजल्ट, जिससे अदर सीबीआई अधिकारी भी इसी से सुन करके जाते हैं, आईबी के अधिकारी भी, इनकम टैक्स के अधिकारी भी, ड्रग इंस्पेक्टर भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं शिप में, वो एग्जामिनर भी। जब पत्रकारों ने पूछा कि सब आप 40 लाख एग्जामिनर के लेते हो, 35 लाख इंस्पेक्टर के लेते हो, 30 लाख आप आईबी के लेते हो, 25-30 लाख आप एनआईए के लेते हो, तो उन्होंने, खुराना साहब ने जो आईएएस के चीफ है, उन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप है। जबकि छात्र यहाँ लगातार 10,000 छात्र पागल है क्या, धूप में बैठे हुए हैं, वो केवल एक शब्द बोल रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद है। जबकि हमारे पास ठोस सबूत है, हमारे पास स्क्रीन शॉट है, पेपर बेसिकली 1 घंटा 10 से 11 तीन शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग, जो 1 घंटा पेपर चलता है हमारे पास स्क्रीन शॉट है। पेन ले जाना अलाउड नहीं है ऑनलाइन एग्जाम में, पेंसिल लेना अलाउड नहीं, और जो लेडीज जो कान में पहनते वो तक लेना अलाउड नहीं, तो हमारे पास स्क्रीन शॉट कहाँ गए? और स्क्रीन शॉट की जो हमने बेसिकली जाँच की तो उसमें पूरा ऑथेंटिसिटी पाई, पूरी वेरीफाई हमने की, पूरा ओरिजिनल है। तो पत्रकारों का सब ये जो स्क्रीन शॉट आए हैं ये पूरा वेरीफाई करें, तो बोले नहीं ये आरोप बेबुनियाद। उनका मात्र एक आरोप है कि बेबुनियाद, सारे आरोप बेबुनियाद, जबकि हम करें हमारे पास ठोस सबूत है। और जब तक की कार्रवाई नहीं होगी यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और आईबीआई से क्या जांच कराना चाहते हैं? सीबीएसई केवल ग्रेजुएट लेवल की हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। पिछले 5-7 साल में यही गदर उतर रहा है। अब की बार क्या हुआ, बाढ़ आ गई तो पूरा राज्य डूब गया, तो सारे बच्चे अब की बार ये लग गए, मतलब ये लगा लो, तो तब सीबीआई जांच लगातार 7 साल से हो रहा है। ये